इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास करने के बाद हम जल्द अज जल्द जॉब कैसे हासिल करें, ऑफिसर कैसे बने, या नेक्स्ट कौन सी डिग्री में एडमिशन लें। मोस्ट डिमांडिंग डिग्रीज़ अब कौन सी चल रही हैं पाकिस्तान में कि हम इंटरमीडिएट FAFSC करने के बाद उनमें एडमिशन ले लें। इसके अलावा अगर किसी का माइंड है कि हमने बाहर जाके स्टडी करना है, फॉरेन में स्टडी करना है, स्कॉलरशिप्स हासिल करनी है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर है। ये तीनों टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप इनबॉक्स में मैसेज करते हैं, फेसबुक पे कांटेक्ट करते हैं कि सर हमारा रिज़ल्ट आ चुका है इंटर का, हमारे नंबर 60% हैं, 70% हैं, 90% हैं, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, हम क्या करें। तीनों को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। वीडियो थोड़ा सा लंबी भी हो सकती है क्योंकि हमने तीनों टॉपिक्स को कवर करना है। अगर आपने इंटर का एग्ज़ाम पास किया है या आपके किसी रिलेटिव ने, भतीजा भतीजी ने, किसी कज़न ने, तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा जल्दी में हैं तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके भी चला सकते हैं ताकि आपका जो है टाइम बच सके। तो पहला टॉपिक ये है कि हम जॉब कैसे हासिल करें। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके 60% अबव नंबर हैं, 70% तक हैं, तो आपको ये है कि मैंने जॉब लेनी है जल्द अज जल्द, क्योंकि मेरे पास इतना, मैंने मज़ीद स्टडी नहीं कर सकता, ठीक है, एक किसी इश्यूज़ की वजह से, या मैं आगे स्टडी नहीं करना चाहता। तो भाई आपके लिए ये है कि आप साथ कोई स्किल सीखें। अगर आप अपनी डिग्री के साथ FAFSC के बाद अगर आप में कोई स्किल होगी तो आपके चांसेस जो है बढ़ जाएंगे बाकियों की निस्बत, क्योंकि बाकियों के पास कोई स्किल नहीं होगी, कोई सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो जब आप दोनों अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप पहले जो है कोई स्किल सीखें साथ। क्या स्किल सीख सकते हैं आप? जो है कंप्यूटर कोर्स करें, 6 महीने का, साल का, कम से कम 6 महीनों का कंप्यूटर कोर्स आपने लाजमी करना है, जिसमें आप कोशिश करें कि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो, टाइपिंग आपकी तकरीबन हो 40 तक हो, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन चीज़ों पर अबूर हासिल हो, तो आप किसी भी जो है इंस्टीट्यूट से ये दाखिला ले सकते हैं। तो आप पहले ये कर लें, नेक्स्ट किसी फील्ड में एडमिशन ना लें, ठीक है, क्योंकि आप दोनों जगहों पे भागेंगे, फिर आपका जो है वो इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा अप डाउन होगा। कभी आप डिग्री करने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, फिर सेकंड टाइम आप वहाँ जा रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा मसला होगा। तो अच्छा तो ये है कि आप एक चीज़ पे अभी फोकस करें। ये मैं बात कर रहा हूँ जो लोग जॉब करने की सोच रहे हैं कि हम इंटरमीडिएट के बाद जॉब कैसे हासिल करें। आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके पास सर्टिफिकेट सनद आ जाएगी, तो आपके जो है क्लर्क की ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप कहीं ना कहीं क्लर्क की पोस्ट पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और आप जॉब हासिल कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ एक मोटिवेशन होना चाहिए और ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैंने ये करना है। तो हज़ारों लोग हैं, हज़ारों मिसालें हैं जो लोग, जिन्होंने इंटर किया, उसके बाद जॉब की और उसके बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। दूसरा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी, हम कोई अफसर बने, ठीक है, ऑफिसर रैंक की कोई जॉब करें, तो फिर इसके अलावा ये है कि आप पाकिस्तान आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए 60% नंबर चाहिए होते हैं, उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो आप pakarmy.gov.pk उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे PMA लॉन्ग कोर्स होता है, PMA स्टैंड फॉर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी, और लॉन्ग कोर्स होता है यानी कि अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं सारे, तो आप सेकंड लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, ठीक है। 2 साल आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जो है फिर आप कैप्टन, और उसकी मतलब आपकी प्रमोशन होती जाती है, और सेकंड लेफ्टिनेंट भी उसका 17 ग्रेड होता है। तो इस पे भी आप ट्राई कर लें। अब 100% लोग तो यहाँ पे कामयाब नहीं होंगे, तो जो तो चलो हो गए सेकंड लेफ्टिनेंट हो गए, बाकी लोग क्या करेंगे।
तो फिर उसके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि वो टाइपिंग सीखें, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने किस तरह से करना है। और उससे भी अच्छा है कि आप शॉर्ट हैंड सीख लें। शॉर्ट हैंड में बहुत कम लोग जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि शॉर्ट हैंड क्या होता है। तो शॉर्ट हैंड जब आप सीखेंगे तो आप जो है स्टेनोग्राफर की बहुत अच्छी सीट्स होती हैं, 16वें 17वें स्केल की, 16वें स्केल की मेरे ख्याल से होती हैं। तो आप स्टेनोग्राफर लग सकते हैं और 1 लाख से अबव इनकी पे होती है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपने मेरी बातों सुन के ये नहीं करना कि नहीं मैंने यही करना है, आपने अपने इंटरेस्ट को पहले देखना है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। जब आप डिसाइड कर लें कि हाँ मैंने करना है, तो फिर आपने ये नहीं देखना कि भाई अब मैं मुझे 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, बस आपने लगे रहना है, कोशिश करनी है, ट्राई अगेन एंड अगेन, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। क्योंकि आप अब बच्चे तो रहे नहीं, अब आपने प्रोफेशनल अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है। चलो इंटरमीडिएट तक जो था सो था, हो गया, लेकिन आप अब आपने थोड़ा सा अब ब्रॉड सोचना है, चीज़ों को देखना है कि भाई मैं किस तरह से सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो ये हैं कुछ तरीके जिनसे आप जो है ऑफिसर बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं, ठीक है। और अगर जिनके 50% से भी कम नंबर हैं, तो उनके लिए मशवरा ये है कि आप कोई और स्किल सीखें, कंप्यूटर तो लाजमी सीखें, ड्राइविंग सीखें, लाइसेंस वगैरह बनवाएं अपना, तो वहाँ पे आप लोग अपनी जो है अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट या प्राइवेट में आपको बहुत जल्द जॉब मिल सकती है। तो ये तो था जॉब वालों के लिए कि जो इंटरमीडिएट के बाद जॉब हासिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट लगना चाहते हैं, इसके अलावा जो है बाकी डिपार्टमेंट में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो पुलिस में भी आती रहती हैं सीटें, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं जॉब वालों के लिए। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, बेशक आप FSC प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग FA के स्टूडेंट हैं, तो पाकिस्तान में जो अब मोस्ट ट्रेंडिंग पे है वो है फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन जॉब्स। तो ऑनलाइन जॉब्स ये है कि फेक नहीं होती, ये भी ठीक है, लेकिन ये है कि आपको वो चीज़ सीखनी पड़ती है पहले। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब फ्रीलांसिंग में आता है डिजिटल मार्केटिंग है, इसके बाद जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ये 3-4 टॉपिक, उसके बाद लोगो डिज़ाइनिंग जिसमें आ जाता है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, उसके अलावा जो है AI में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप लर्न कर सकते हैं और उसको उससे पैसा कमा सकते हैं। ऑनलाइन फील्ड में भी आप इन हो सकते हैं, लेकिन वही बात कि हर चीज़ आपको पहले सीखनी पड़ेगी और किसी अच्छे इदारे से सीखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको कम अज़ कम 1 साल लग सकता है, जो मैं आपको मिनिमम ड्यूरेशन बता सकता हूँ। अगर आप कंप्यूटर थोड़ा बहुत सीख के जाते हैं, यानी कि आपको अच्छा आपको आता है वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल आता है, और आप कंप्यूटर अच्छा चला सकते हैं, यूज़ आप अच्छा कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा जल्दी यानी कि 7-8 महीनों में किसी भी फील्ड में, किसी भी जो है नीच पे, किसी भी कैटेगरी में आप सीख सकते हैं और उससे फिर पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यही बात कि आपने किसी अच्छा इदारा ढूंढना है या फिर कोई ऐसा बंदा जो वाकई ही में काम कर रहा हो अच्छे लेवल पे, आपने जो है उसके इंस्टीट्यूट उस इदारे में जाना है, या फिर आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, इसमें भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ये नहीं है कि आप 2-3 महीने किसी चीज़ को सीखें फिर आप कहें कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मैं कमा नहीं रहा, मैं ये है वो है। तो हर फील्ड में आपको जाने के लिए, अपना जो है सीखने के लिए टाइम लगता है, 8 महीने 1 साल तो अपना माइंड में रखें, ठीक है। ये भी आजकल यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स थोड़ा आजकल ये है कि कम आ रही हैं, लेकिन आप ये स्किल भी लाजमी सीखें, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। तो आप साथ साथ ये भी सीख सकते हैं किसी अच्छे इदारे से, यूट्यूब से, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। तो इसमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर किसी को ये समझ आता है तो आप इसमें भी जितना लोग जॉब से कमा रहे हैं आप इस काम से भी कमा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ये है कि अब हम जो है कौन सी डिग्री हासिल करें। तो जिनके 90% 95 से अबव हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में रहते हुए वो लोग कोशिश करते हैं कि हम MBBS करें। इसके अलावा स्पेशली FSC प्री मेडिकल वाले और प्री इंजीनियरिंग वाले, वो चाहते हैं कि हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, अपना जो है टेस्ट पास करता है करना है,
एम कैट का एमबीबीएस के लिए करना है, तो उनकी प्रेफरेंस ये होती है। इसके बाद भी ऑप्शन हैं आपके पास किसी का, अगर एमबीबीएस में नहीं होता, ठीक है, लाजमी नहीं है कि हर किसी का एमबीबीएस में हो जाए, तो वो डी फार्मेसी कर सकते हैं, बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है। आप डॉक्टर बनते हैं, फार्मासिस्ट बनते हैं, इनके भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बी फार्मेसी कर सकते हैं, ठीक है, जिसके बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है मेडिकल स्टोर का, अगर आप खुद उसको, ये एक बिजनेस है, ये आप करना चाहें वेल एंड गुड, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है ये करने के बाद, तो आप जो है वो किसी और को दे सकते हैं, ठीक है, तो वो अपना बिजनेस सेट कर लेगा, आप फिर कोई और काम कर सकते हैं, लेकिन आपके भी उसके पैसे आपको मिलेंगे जो आपने अपना लाइसेंस उसको दिया होगा कुछ टाइम के लिए, वो आपकी जो है कमिटमेंट होगी उनके साथ, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फिर एमएलटी कर सकते हैं, इसमें टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की हॉस्पिटल में जो लोग लगते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के हैं, और भी मेडिकल फील्ड में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जब आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे मज़ीद, तो आप उन चीज़ों में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने, आपका माइंड ये भी नहीं बनता, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप जो है किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेंगे जो बीएस प्रोग्राम करवा रहे होंगे या एडीबी करवा रहे होंगे, तो फिर उसमें बहुत सारे फील्ड हैं, बायोकेमिस्ट्री है, इसके अलावा बीएस फिजिक्स है, बीएस केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, साइकोलॉजी है, बीएस इंग्लिश है, बीएस इस्लामियात है, उर्दू है, काफ़ी सारे बीएस प्रोग्राम्स हैं जो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वगैरह पे मिल जाएंगे, या आप जब खुद सर्च करेंगे किसी यूनिवर्सिटी को, उसमें जितने भी प्रोग्राम्स हैं बीएस के, तो वो सारे आपको पता लग जाएंगे कि इस यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको पहले नेट टेस्ट भी देना होता है, उसकी डेट होती है, आप नेट की वेबसाइट देखें, वहाँ पे देखें कि टेस्ट कब होना है, वहाँ पे अप्लाई करें। अगर आपका माइंड बनता है कि मैंने बीएस प्रोग्राम यानी कि 4 साल प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो फिर आप जितना जल्दी हो सके नेट दें और नेट को पास करें, 60-70% नंबर लें उसमें, वो आपके जब मेरिट बनता है उसमें फिर वो यूज़फुल होते हैं, वो नंबर भी काउंट होते हैं। तो अगर आपकी एक स्पेसिफिक फील्ड है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने जो है सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी में ही एडमिशन लेना है, तो फिर आपने एक यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं करना कि मैं सिर्फ जो है लेट्स सपोज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ही एडमिशन लेना है, तो अगर आपने स्पेसिफिक एक फील्ड में करना है तो फिर आप यूनिवर्सिटीज़ देखें, ठीक है। आपने बहावलपुर में चौलिस्तान यूनिवर्सिटी है, आप उसको टारगेट कर सकते हैं, वहाँ पे भी अप्लाई कर दें, आईयूबी में भी अप्लाई कर दें, मुल्तान में देखें, लाहौर में देखें, फैसलाबाद में देखें, तो आपको जितनी भी अपनी फील्ड जिसमें आपने एडमिशन लेना है वो यूनिवर्सिटीज़ देखें नेट पे कि अच्छा इस यूनिवर्सिटी में ये बीएस प्रोग्राम हो रहा है, तो आप हर जगह अप्लाई कर दें। आप नेट, आपने टेस्ट दिया होगा, पास किया होगा, तो आपने जो है वो हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना है, फिर आपने देखना है कि मेरा एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी में होता है। जब आपका एडमिशन हो जाए, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, तो फिर जो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो आप उसमें जा सकते हैं, उसमें अपना फीस पे करें और एडमिशन ले लें। अगर आप एक यूनिवर्सिटी को करेंगे, बाकी यूनिवर्सिटियों की लास्ट डेट ओवर हो जाएगी, फिर आपका साल मिस होगा, तो इस वजह से फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। तो अगर आपने ये सोचा है कि मैंने बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, या फिर मैंने जो है एमबीबीएस में या इंजीनियरिंग में, या मैंने आपको जितने भी ऊपर फील्ड बताई हैं, ठीक है, फिजियो एक होता है डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट, आप ये भी अच्छी फील्ड है, मेडिकल की फील्ड है, इसमें भी मेरिट कम होता है, यहाँ भी जा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो भी फील्ड डिसाइड करते हैं, फिर आप सिर्फ एक सिटी को टारगेट ना करें, फिर आप इर्द गिर्द के सिटीज़ को देखें, वहाँ पे चेकआउट करें, ठीक है, फिर हर जगह पे अप्लाई करें, तो जहाँ आपका किस्मत हुआ, आपका लक हुआ, तो आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है सारा। बाकी जो सिंपल एफए वाले हैं उनके लिए भी है, आप बीएस प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए भी है, अपना फिज़िकल एजुकेशन है, बीएस एजुकेशन है, बीएस इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, तमाम सब्जेक्ट्स आपके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आपके लिए भी सेम वैसे ही आप कंप्यूटर
फील्ड में भी जो है अपना शॉर्ट कोर्सेज में, यानी कि जो मैंने आपको बताया 6 महीने का या 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स होता है, आप वहाँ से कोर्स कर लें, आपके पास भी इक्वल चांसेस हैं। आपने ये नहीं कहना कि मेरे पास सिंपल मैंने किया है, एफ़ए किया है, ICS किया है, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंजीनियरिंग वाले BS कंप्यूटर में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जा अपना IT में जा सकते हैं। इसके अलावा आजकल है जो मोस्ट ट्रेंडिंग पे चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो हर फील्ड के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बस ये है कि हमें पता नहीं होता कि कौन कौन सी फील्ड हैं, क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे याद आ रहा है कि DVM है, यानी कि जिन लोगों की FSC प्री मेडिकल है तो वो DVM में जा सकते हैं। इसके अलावा यानी कि MBBS फार्मेसी और उसके बाद फिर DVM आता है, ये भी आपके पास ऑप्शन हैं। तो हर किसी का अब डिपेंड करता है कि आपके नंबर कितने हैं। तो जो मैंने आपको पहले फील्ड बताई हैं, यानी कि MBBS, इसके अलावा डी फार्मेसी, DVM, इनके मेरिट थोड़ा अच्छे होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। फिर इनके बाद आते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स आते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट इंटरेस्ट से मुराद ये है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा समझ आता है, ठीक है। आप को उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं कि नहीं यार ये ठीक है, मतलब के अब ये नहीं देखना कि मेरे अगर FSC में इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ गए हैं तो मतलब मैं यही मतलब इसी में ही एडमिशन लूँ, ठीक है। आपके नंबर आ सकते हैं, लेकिन जाहिर ही सी बात है वो आपने रट्टा लगाया उससे भी आपके नंबर आ सकते हैं, या आपने किसी तरीके से भी आ सकते हैं। जाहिर ही मतलब ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि आपका इंटरेस्ट भी हो, आपने अपने इंटरेस्ट को देखना है। अगर आप मेरे ख्याल में अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो फिर आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे फिर अगर आपने FSC प्री मेडिकल किया हो और आपको जो है समझ लगती हो कि नहीं मुझे जो कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो उसमें मुझे इंटरेस्ट है, उनमें मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो फिर आप बाकी डिग्रियों को साइड पे करें, ठीक है। फिर आप उसी डिग्री में एडमिशन लें, उसी फील्ड में आप जाएँ तो फिर आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, जॉब के लिए आपको बताया था, आर्मी वाला बताया था, इसके अलावा जो है नेवी एयर फोर्स, यानी कि ये तमाम बेल्ट एंड फोर्स की आपके पास ऑप्शंस हैं। इंटर के बाद आप जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि आप जो है कौन कौन सी डिग्रीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, ये आपके पास एक लिस्ट मैंने बताई, प्रोसेस बताया कि आपने क्या क्या काम करने हैं, नेट के लिए अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटीज़ देखनी है, कॉलेजेस देखने हैं कि अच्छा इस कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो फिर आप वहाँ जाके यानी कि वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड, ये दो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। थर्ड हमारे पास टॉपिक है कि अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, बाहर के मुल्क जाके फ्री स्टडी करना चाहते हैं और साथ कुछ जो है पैसे भी कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि आप चाइना के लिए कोशिश करें। लोग कहते हैं कि चाइना की डिग्री की वैल्यू नहीं है, भाई चाइना जो है आपको पता है USA से उसका कंपटीशन है, USA से टक्कर देने जा रहा है, और आप कहते हैं कि उसकी डिग्री की वैल्यू नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में भी वैल्यू है, अगर ऐसा होता तो फिर जो है वो लोग आते ही ना, यहाँ पे डिग्रियाँ ही नहीं करते। कई सालों से लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ MBBS करते हैं, कुछ किसी और फील्ड में जाते हैं, तो ये है कि इसकी वैल्यू भी है, ये आपको महीने के पैसे भी देते हैं, आपका रिहाइश, आपकी स्टडी सारा कुछ फ्री होती है, बस आपने स्टडी करना होती है। तो अगर किसी का माइंड बनता है तो ये भी अच्छा है। इसके लिए मैं आपको चाइना इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर इंटरमीडिएट। वो कैसे, इसके लिए कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं। आपने सबसे पहले चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी है, चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के बाद जो है जब आपको सीख जाए, आपको 6 महीने साल लग सकता है, तो उसके बाद फिर ये है कि आप बाहर चाइना में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 279 से अबव यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास चाइनीज़ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होगा तो आपके लिए एडमिशन लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें यह होता है कि फिर आपको यहाँ पे सारा कुछ फ्री होता है आपका, आपका मतलब आप जब यहाँ पे चाइना में आ जाते हैं तो आपको ऐसे समझ लें कि
तकरीबन अगर आप यहाँ पे BS में एडमिशन लेंगे, बैचलर्स के स्टूडेंट्स होंगे, तो आपको 70-80 हज़ार जो है मंथली दिया जाएगा, यानी कि फ़ीस भी अब आपकी कोई नहीं होगी। आपकी जो डोम है यानी कि हॉस्टल आप समझ सकते हैं, वो भी आपका फ्री होगा। और उसके बाद आपको खाने पीने के इतने पैसे मिलते हैं, तो आप कुछ खुद भी उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। बाकी अगर आप घर वालों को भी भेजना चाहें 20-30 हज़ार या जितना भी, डिपेंड करता है कि आपकी स्कॉलरशिप कौन सी है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो इसमें यह है कि फिर आपकी डिग्री भी आपकी 4 सालों में हो जाती है, और उसके बाद फिर आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप चाइना में जॉब कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में जाके फिर जो है MPhil PhD कर सकते हैं, या किसी और कंट्री की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट गाइडलाइन। आप लोग, मैंने तमाम क्यूरीज जो हैं वो कोशिश की है कि एक टॉपिक एक वीडियो में समराइज़ कर दूं। होपफुली आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई ऑप्शन है, आपके पास आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो, जॉब रिलेटेड और रिटन टेस्ट के बारे में ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।